रिकॉर्ड. अच्छा, सो वी डिड मोस्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन आइडियल गैसेस यस्टरडे. ठीक है, हमने ये स्लाइड डिस्कस कर ली थी, हमने अजम्पशंस डिस्कस कर ली थी. एक अजम्पशन क्या, एक चीज जो आप लोगों को पहले से ही क्लियर होगी, दैट इज नॉट रियली एन अजम्पशन. वो बेसिकली बात ये है कि काइनेटिक मॉडल है, तो वो क्या असल में बात बोल रहा होता है, वो ये बोल रहा होता है कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन. ठीक है जी, मतलब ये तो दिस इज लाइक एलिमेंट्री. तो मैंने ये समझा कि कल नहीं पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ जस्ट टू कंप्लीट फॉर द पीडीएफ. पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, मतलब गैस के पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, सॉलिड के वाइब्रेट कर रहे होते हैं फिक्स पोजिशन पे. तो काइनेटिक मॉडल थ्योरी हमेशा ये बोलती है पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन. ये हमेशा इनके अंदर कोई ना कोई चुलबुल होती है, पार्टिकल्स में जरूर कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं. अच्छा, फिर दूसरी हमने ये बहुत बड़ी डेरिवेशन करी थी, और डेरिवेशन करके हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि पीवी जो है वो 1/3 nmc2. ठीक है जी, रिगार्डिंग यस्टरडेज क्लास कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे चले आज. एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क? ये थी तीन इक्वेशंस जो हमने अभी तक पढ़ ली है, पीवी इक्वल्स टू nRT, पीवी इक्वल्स टू nKT, पीवी इक्वल्स टू 1/3 nmc2. ठीक है जी, सो अब जरा हमें कोई तीन चार इक्वेशन और पढ़नी है, एंड वो भी आपको डिराइव करनी आनी चाहिए. उनकी डेरिवेशन काफी आसान है, काफी सिंपल है, वो कोई मुश्किल ऐसी बात नहीं है. हम वो पढ़ लेते हैं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उस तरीके से उन चीजों को समझना, उस चीजों को अपने दिमाग में ठाना, क्योंकि उनके बड़े स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं जो आपने अगर समझ लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए. क्योंकि इसके बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों वाले जवाबों के लिए यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल ऑब्जर्वेंट फॉर दीज थिंग्स, और काफी सारी चीज होगी. अच्छा, कंपेयरिंग, व्हाट एम आई गोइंग टू कंपेयर? आई एम गोइंग टू कंपेयर पीवी इक्वल्स टू एनकेटी एंड PV equals to 1/3 nmc2. ठीक है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा 1/3 nmc2. अच्छा, जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो आपको दिखता है PV इसके बराबर है और PV इसके बराबर भी है, तो बेसिकली nKT इसके बराबर हो गया. सो बेसिकली nKT विल इक्वल्स टू 1/3 nm and then c2. ठीक है जी, तो हमने इस तरीके से इसको कर लिया. अब क्या कर रहा हूं मैं, अब यू कैन सी एन एंड एन जो है वो दोनों साइड्स पे हैं, तो इनको जरा इस तरीके से कर लेते हैं और थ्री को जरा उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3kT क्या बन जाता है, mc2 बन जाता है. राइट, 3kT बिकम्स mc2. अब बड़ी चुल हो रही है मुझे यार, ये काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले के बड़े मतलब बड़ा सिमिलर लग रहा है, बस इसमें हाफ मिसिंग है. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर हाफ जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर रहा हूं. जब मैंने जबरदस्ती इधर मल्टीप्लाई किया, तो मैं इधर भी जबरदस्ती मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब देखने को हमें ये मिला कि ये चीज बन गई क्या चीज, दिस बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, लेट्स राइट दिस एज ई के ऑफ वन पार्टिकल. तो वो क्या बन जाएगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल is basically, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 3/2 kT. दैट इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, क्योंकि n n ऊपर कैंसिल हो गया था, तो अब ये एक ही पार्टिकल का आ सकता है. ठीक है, अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो ऑफ n पार्टिकल्स, तो वो कैसे निकलेगी, आप इसमें बस n मल्टीप्लाई कर दो. तो n जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 nKT बन जाएगा. राइट, any problems with this derivation? This is the formula for the kinetic energy of n particles, 3/2 nKT, और ये जो formula है 3/2 kT, that is the kinetic energy of one particle. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? Oops, what is going on for this slide? तो ये आ गया आपके पास दो formula जो आपको पता नहीं होते. अब हम चलते हैं थोड़ा सा internal energy की discussion पे. Internal energy पे भी थोड़ी बातें कर लेते हैं कि एक ideal gas की internal energy क्या होती है. Actually, now internal एनर्जी, I'm going to write this again. इंटरनल एनर्जी. अच्छा, नाउ ये यू है. नाउ यू नो यू क्या था, यू वॉज द सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक प्लस द माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ए सिस्टम ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या था, इट वॉज द सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज एंड द माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जीज. मसला क्या है, यू आर अज्यूमिंग एन आइडियल गैस, आइडियल गैसेस हैव
no intermolecular forces, have no intermolecular forces, they have no intermolecular forces. तो अगर उनमें intermolecular forces नहीं है, therefore उनकी potential energy भी जो होती है वो होती है zero. This is something that always happens for ideal gases. अगर उनमें कोई intermolecular forces नहीं, अब intermolecular force cause करती थी ये potential energy का store ना, basically these were the rubber bands that used to store energy. अब जब यही नहीं है तो potential energy तो हो ही नहीं सकती. तो जब potential energy नहीं है तो एक आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी, जो एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है, वो तकरीबन कुल मिला के पूरा का पूरा क्या बन जाती है, सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, बस दैट्स इट. ठीक है, क्योंकि दूसरी चीज जो है वो जीरो हो चुकी है. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल्स. अब ये सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑफ ऑल ऑफ द काइनेटिक, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सम ऑफ ऑल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज. तो सम ऑफ ऑल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज क्या आ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ एन पार्टिकल्स, विच इज 3/2 nkt. सो बेसिकली आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या आती है, वो भी 3/2 nkt आती है. दिस इज फॉर्मूला नंबर 3 ऑन दिस स्लाइड. सो द आइडियल गैस की अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो वो इस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है. ये दिमाग में रहे कि ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है, ठीक है, इसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, मतलब किसी लिक्विड या किसी सॉलिड के लिए इस्तेमाल नहीं कर बैठिएगा. क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी. कोई ऐसी गैस जो आइडियल नहीं है उसमें भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी. ठीक है, सिर्फ ये कैलकुलेशन बनेगी ऐसी गैसेस के लिए जो आइडियल है, जिनमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो तब पूरा का पूरा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इंटरनल एनर्जी बन गया. और काइनेटिक एनर्जीज क्या था, वो 3/2 nkt था. तो इंटरनल एनर्जी भी आपकी 3/2 nkt बन गई. और जब तक बात जो है वो आइडियल गैसेस की हो रही है, तब तक आप इस इक्वेशन को चलाते रहो, जिस मर्जी इस तरह तरीके से इस्तेमाल करना है, टेम्परेचर डालो, इंटरनल एनर्जी निकाल लो. ठीक है, तो बस ये काम आपने करना होगा. फिर एक काम और करते हैं, और वो काम क्या करते हैं, वो काम ये करते हैं कि हमने PV=nkt अभी कंपेयर करी, अब करते हैं PV=nrt को जरा इसके साथ कंपेयर, ताकि कुछ मतलब इधर से भी तो निकले. ठीक है, सो कंपेयरिंग PV=nRT and PV = 1/3 nmc2. अच्छा, जब इनको कंपेयर करता हूं, PV दोनों चीजों के बराबर है, तो PV को हटा के इन दोनों चीजों को इक्वेट कर देता हूं. सो nRT = 1/3 nm and then c2. चलिए अब जरा बड़ा मजे का एक काम करते हैं. क्या मजे का काम करते हैं, आई एम गोइंग टू कलेक्ट एवरीथिंग ऑन वन साइड. क्या कलेक्ट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू गिव nr ओवर हियर. ठीक है जी, 3 भी ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3nr कर देते हैं, और nm को जरा इधर नीचे भेज देते हैं, और इन टू ये टेम्परेचर t हो गया, और ये आ गई आपकी मीन स्क्वायर स्पीड वैसी की वैसी ऑन द अदर साइड. जस्ट मैंने रीअरेंजिंग करी है. अब देखो बड़ा मजे की कहानी हुई. क्या मजे की कहानी हुई, 3 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस. जब तक वो एक क्लोज सिस्टम है, जब तक उसमें जबरदस्ती कोई मोल्स ना डाले, जब तक उसमें कोई जबरदस्ती कोई चीज ना डाले, तब ये भी कांस्टेंट होगा. आर तो वैसे ही मोलर गैस कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही कांस्टेंट होगा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, वो भी कांस्टेंट होंगे. ठीक है, क्योंकि जब बंद करी हुई गैस तो क्या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना चेंज करने वाले, ना उसके मोल्स चेंज करने वाले. मास ऑफ द गैस, वो भी कांस्टेंट होगा, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है. तो ये पूरी की पूरी चीज, ये जो आपकी पूरी की पूरी चीज है, ये चीज, दिस बिकम्स अ कांस्टेंट. जब ये कांस्टेंट बन गई है, और अगर मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं, तो आई फाइंड आउट द रिलेशनशिप, t is directly proportional to c square. यानी एक आइडियल गैस की जो मीन स्क्वायर स्पीड है, यानी मतलब याद करो मैंने काइनेटिक एनर्जी का क्या बताया था, फॉर इंटरनल एनर्जी, जब हम इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज बोल रहे हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जीज, तो मैंने क्या बताया था, अगर पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी देखना है तो टेम्परेचर को देखो, और अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखना है तो वॉल्यूम को देखो. अब यहां से प्रूव हो गई बात कि काइनेटिक एनर्जी के लिए टेम्परेचर को क्यों देखते हो, वो इसलिए देखते हो क्योंकि टेम्परेचर आपको डायरेक्ट अंदाजा बता रहा है किस चीज का, मीन स्क्वायर स्पीड का. यानी पार्टिकल जो रैंडम मोशन में है, वो अगर टेम्परेचर जैसा भी हो, मतलब ऑब्वियसली एट ऑल टाइम्स यू हैव अ टेम्परेचर, ठीक है, एट ऑल टाइम्स यू हैव अ टेम्परेचर, तो एट ऑल टाइम्स योर पार्टिकल्स मस्ट बी मूविंग विद सम वेलोसिटी. इधर से आई है वो रैंडम मोशन वाली बात. जब तक आपके पास टेम्परेचर होगा, जब तक आप जीरो केल्विन पे नहीं चले जाते हो,
तब तक आपके पार्टिकल्स जो है वो पागलों की तरह हिलजुल करते रहेंगे क्योंकि उनका काम वो है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी को देखना है तो आप टेम्परेचर को देखते हो, ठीक है जी। आइडियल गैसेस में थोड़ा सा और जरा जो है वो ये डिफाइंड और बहुत अच्छे तरीके से निकल आया कि टेम्परेचर जो है वो मीन स्क्वायर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं जो हम बरसों से एस से करते हुए आ रहे हैं, हम ये करते हैं कि टी अपॉन सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं के ले आऊं तो कांस्टेंट के बराबर होगा, राइट। अच्छा, अब मजे की बात, अभी अगर टेम्परेचर 1 है और कोई मीन स्क्वायर स्पीड 1 थी तो इसी तरह टेम्परेचर 2 और सिमिलरली अब मीन स्क्वायर स्पीड 2 भी क्या होगी, वो भी वही कहानी करेगी, वो दोनों वही के बताएंगे। अब चाहे मैं एक को ऊपर नीचे डिवाइड करूं या दूसरी चीज को लेकर ऊपर नीचे डिवाइड करूं, बात तो दोनों वही करेंगे, के ही बताएंगे। तो बेसिकली ये आपका रिलेशनशिप निकल आया। क्या रिलेशनशिप निकल आया कि अगर आपको जो है एक टेम्परेचर पे ये पता था पार्टिकल्स की मीन स्क्वायर स्पीड क्या थी, तो आप दूसरे टेम्परेचर पे भी बआसानी जो है क्या निकाल सकते हो, उनकी मीन स्क्वायर स्पीड निकाल सकते हो। यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग दैट। तो ये आ गई आपकी आई डोंट नो चौथी इक्वेशन ऑफ दिस स्लाइड। हमने चौथी इक्वेशन करी है, पता नहीं पांचवी है ये, 1 2 3 4 चौथी इक्वेशन, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस? और आपकी लास्ट इक्वेशन another friend of yours, I don't have a name for this derivation या कुछ भी, मुझे नहीं पता ये इसको क्या बोलूं, लेकिन खैर वो ये है कि you have the formula PV equals to 1 upon 3 NM and then C square. Last कब होगी, ये last है PV equals to 1 upon 3 NM C square. तो अगर मैं ये कर दूं कि मैं प्रेशर को सिर्फ इधर रखूं और वॉल्यूम को उधर डिवाइड कर दूं तो एन एम अपॉन वी एंड देन सी स्क्वायर, ठीक है। पूरा वॉल्यूम नीचे पे पूरे पे डिवाइड पे आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई तो मैंने सिर्फ इस पे ले लिया। अच्छा, नाउ इफ यू सी, अगर आप बड़े क्लोजली देखोगे ये चीज क्या है, एन एम क्या होगा, अगर m जो था वो मास था एक पार्टिकल का, अब मैं उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल मास आ जाएगा। दिस इज द टोटल मास, राइट, ये टोटल मास बन गया। अगर ये टोटल मास है तो, और देखो नीचे वाली चीज क्या है, वो वॉल्यूम है, ऐसा ही है। डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी थी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी वॉज मास अपॉन वॉल्यूम। सो बेसिकली एन एम अपॉन वी, एन एम अपॉन वी इज द डेंसिटी ऑफ योर गैस। तो पी विल इक्वल्स टू 1/3 रॉ सी स्क्वायर। ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा भाई जब आपको डेंसिटी दी हुई हो, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। डेंसिटी को बिला वजह वॉल्यूम में, मास में, एन में कन्वर्ट करने के बजाय सीधा इस्तेमाल कर लो, क्या जा रहा है 1/3 रॉ सी स्क्वायर लगा लो। तो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर द आइडियल गैस इक्वेशंस वाला चैप्टर, ठीक है। ये अभी भी फाइनल नहीं है, अभी ये अभी तक के लिए जो आइडियल गैसेस वाला पार्ट है। अब उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे साथ, कल पढ़ेंगे, फिर उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी है, जो समझनी है उधर, लेकिन ये अभी के लिए, आज के लिए ये इस स्लाइड का आपका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल्स, इंटरनल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल्स है, जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये फॉर्म निकलता है T1 upon C square will equals to T2 upon C square 2, and then last वाला क्या है, PV equals to 1/3 NM C square में से volume को divide कर दो तो 1/3 raw C square बन जाता है। ये बन गई आपकी चारों की चारों equations, ठीक है। जरा एक और बात मैं बताता चलूं, एक और बात क्या है, एक और बात ये है कि ये जो C square है, ठीक है, इसको दिमाग में रखता हूं, क्या रखना है, ये C square जो है ना, ये है mean square speed, this is the mean square speed, यानी ये mean speed नहीं है, ये mean speed का square है, ठीक है, this is not the mean speed, this is mean speed का square. तो अगर मैं इसको square root कर दूं तो क्या निकलेगा मेरे पास, मेरे पास निकलेगा what do I call this, the mean root mean, let's call this the root mean square speed, root mean square speed, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये CRMS is basically just the square root of your C square,
ठीक है, तो सी स्क्वायर असल में मीन स्पीड नहीं है, सी स्क्वायर असल में मीन स्पीड नहीं है, जब उस पर स्क्वायर रूट लगाओगे तो असली मीन आएगा, ठीक है, सी स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द मीन, जब उस पर स्क्वायर रूट लगाओगे तो असली में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी, जो असली में आपका सही मायनों में मीन होगा, ठीक है जी। जो जैसे ऑल्टरनेटिंग वोल्ट करंट्स में हमने पढ़ लिया है कि समझ लिया उस चीज को, तो ये वही रूट मीन स्क्वायर है, ये असली मीन भी नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर है, क्योंकि उस इसमें भी मीन निकालने से जीरो आता है आंसर, तो आपको रूट मीन निकालना पड़ता है, ठीक है। खैर बहरहाल बस इसमें याद रखें कि जब सी स्क्वायर को अंडर रूट कर देंगे तो सी आर एम एस बन जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड, सब क्लियर?